अनूपपुर जिले के फुनगा गांव का इंडियन आर्मी सेना का जवान शहीद विनोद सिंह परिहार 2006 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत बर्फ के ग्वालियर में फंसे हुए अपने दो साथियों को निकालते समय सियाचिन बॉर्डर पर शहीद हो गए थे। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर फुनगा को गौरवान्वित किया था। इसको देखते हुए शहीद सैनिक के शहादत को लोग हमेशा याद रखे, इसके लिए स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाना था जो आज तक नहीं हो सका। इससे भी ज्यादा हैरानी तो यह जानकर होगी कि इसके लिए नेताओं ने भूमि पूजन कर फोटो खिंचवाया था और नेता ने मंच से 1.5 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा कर दी, लेकिन धरातल पर किए गए वादे आज भी अधूरे हैं। भाजपा में उस समय मंत्री रामलाल रतेल थे, उन्होंने चुनाव प्रचार के समय भाषण में मंच पर से घोषणा किया था कि मैं विनोद शहीद के नाम से गेट निर्माण करवाऊंगा जिसे मैं 1.5 लाख रुपए मंजूर करता हूं। किंतु आज 12-13 साल हो गया, न किसी ने गेट बनवाया, न कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम सब चीज़ से वंचनीय रहे। अब हमारी भी उम्र आखिरी है और मैं जो चाहता था वो इस वृत्त में नहीं हो पाया। ये हमारी मांग ये है कि मैं विनोद सिंह परिहार की भाभी हूँ और मेरे सास ससुर के द्वारा एक मांग की गई थी, जो यहाँ के नेता रामलाल रतेल और बिसाहूलाल के द्वारा मतलब बोला गया था कि एक गेट बनवाया जाएगा, स्मृति द्वार बनवाया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं बनवाया गया, जिससे मेरे सास ससुर बहुत ही दुखी रहते हैं। मामला ये है कि 2006 में विनोद सिंह शहीद हुए थे हिल स्टेशन में, लेह लद्दाख में, जहां -35 डिग्री में ड्यूटी करके और बर्फ़ में उनका बर्फ़ में जवान दब गए थे। उन ऐसे जवानों को, शहीदों को यहां सम्मान नहीं दिया जाता, चाहे राजनेता हो चाहे प्रशासन हो, सब इनको अनदेखा करते हैं। भूमि पूजन के बारे में मुझे उनके पिताजी बताए थे कि भूमि पूजन हुआ है और ये ध्यान नहीं है कि कब किस वर्ष में हुआ था, और भूमि पूजन गेट के लिए हुआ था लेकिन वो कार्य आज तक हो नहीं पाया। कैसी मनसा है आपकी उनकी स्मृति में? उनके स्मृति के लिए मैं पिछले 3-4-5 महीने में अभी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ ये लगा हूँ कि अब तक उनके नाम पर कोई भी ऐसी स्मृति सार्वजनिक रूप से नहीं बन पाया। अब जैसा आपने बताया कि 2006 की बात है, उस समय कौन विधायक थे 2006 में, या और पहले की बात हो सकती है, या 2008 की बात हो सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो उसको तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, और अगर इसमें कोई लापरवाही की जा रही है तो उस लापरवाही को रोक करके और तत्काल प्रभाव से ही वो जो द्वार है, जो हमारे जो भी सैनिक रहे हैं उन्होंने जो अपना जीवन बलिदान किया है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे स्तर से कोई बात है तो मैं जिला पंचायत के स्तर से भी इसमें जिला पंचायत सीओ को अवगत कराऊंगा, कलेक्टर को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे कामों को बिल्कुल बिना किसी देरी के करना चाहिए और हमारी जो भी इसमें सहयोग की आवश्यकता होगी हम इसमें भरसक सहयोग करेंगे, हमारा कमिटमेंट है।